हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विद राज, माय सेल्फ राज। आज हम लोग जीके सीरीज की पार्ट टू पढ़ेंगे। इसमें हम हरप्पन और इंडस सिविलाइजेशन जो था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक चला था। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही शॉर्ट और क्विक सेक्शन होगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐड करने से एक तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और याद भी नहीं रहता। उससे अच्छा है कि हम कम पढ़ें और जो पढ़ें वो याद रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ। इंडस वैली के जो लोग थे वो किसके साथ ट्रेड करते थे? तो मेसोपोटामियंस के साथ वो ट्रेड करते थे। दूसरा है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपोर्ट इन। वो जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली, वो किस चीज़ में एक्सपोर्ट था? तो शहर बनाने के उसके प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग में एक्सपोर्ट था। देन थर्ड वन इज रॉक कट आर्किटेक्चर इन हरप्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट। उसके बारे में रॉक कट जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में कहाँ, उसके बारे में जानकारी जो है वो कहाँ से पाई जाती है? तो वो धोलावीरा एक जगह है यहाँ से पाई जाती है। नेक्स्ट है, डॉकयार्ड ऑफ विच सिविलाइजेशन एट लोथल साइट। लोथल साइट पे किसका डॉकयार्ड है, किस सिविलाइजेशन का? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड जो है वो लोथल साइट पे है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किस चीज से अपना घर बनाया करते थे? तो वो पक्का ब्रिक, मतलब जो बर्न होती है, पकाया जाता है, जैसे चिमनी होती है उनमें जो ब्रिक्स पकाई जाती हैं उसका यूज करके, पक्का ब्रिक्स को यूज करके वो अपने घर बनाते थे। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। जो सबसे पहले, जो सबसे शुरू में डिस्कवर्ड हुआ था सिटी वो कौन सा था? तो हरप्पा सिटी जो था वो पहला था। नेक्स्ट है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। ये क्वेश्चन जो है इसमें तो बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन 4 से 5 बार अभी तक पूछा जा चुका है। आंसर बहुत सिंपल है, डेट ऑफ माउंट। जिनको ना पता हो उसके लिए मुश्किल है, बट ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज डेट ऑफ माउंट। अपना अगला क्वेश्चन है, कॉटन टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो पहली बार कहाँ, उसकी जो उपजवार हुई थी, पैदावार हुई थी, वो कहाँ कहाँ पाई गई थी, कहाँ की गई थी? तो भारत अपना देश, इंडिया, इंडिया इज ग्रेट, यही हुई थी पहली बार। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनिमल विच इज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन से जानवर के बारे में पता ही नहीं था? तो जिराफ के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर जो, मतलब उसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम शाहनी थे, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किया था। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन 1921, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। थैंक यू। अगर आपको स्लाइड्स अच्छी लगी, कि पार्ट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी और फ्री जो भी नॉलेज है आपके लिए आता रहेगा। ये टोटली फ्री है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है। अगर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट करें। अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो उस पर आप पढ़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर बनाने की। थैंक यू, हैव ए गुड डे। साइनिंग ऑफ राज।